नहीं करता है और ये दीवारों पर क्लाइंब कर सकते हैं और इंसानों की मदद करते हैं। ये जो पहला है इसका नाम है मैग्नेटिक वॉल क्लाइंबिंग रोबोट, जिसके पैरों पर मैग्नेट लगाए गए हैं जिसे यूज करके एक मेटालिक सरफेस पर क्लाइंब कर सकता है लाइक दिस। दिस इज आवर सेकंड रोबोट, इसका नाम है वेट शिफ्टिंग वॉल क्लाइंबिंग रोबोट। ये अपने वजन को एक जगह से दूसरी जगह टिकाकर किसी भी लैडर यानी सीढ़ी जैसी सरफेस पर क्लाइंब कर सकता है इस तरह से। क्या हुआ? ओके, दिस इज आवर थर्ड रोबोट, इसका नाम है इंपेलर बेस्ड वॉल क्लाइंबिंग रोबोट। बेसिकली इसके आगे विंग्स लगे हुए हैं जो हवा को कैप्चर करते हैं, जो बैक करते हैं और इस सिस्टम को यूज करके किसी भी ग्लास और पेड़ पर चिपक सकता है। इसका यूज ग्लास क्लीनिंग, ग्लास को साफ करने के लिए किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। ओके, ये किसकी तरह दिख रहा है? शिफ्टली और कुछ कैमेलियन, कैमेलियन उस जाति में क्या कहते हैं? काचिंडो। तो जो हमारी चिपकली है वो दीवार पर चढ़ जाती है, जो हमारा काचिंडो है वो पेड़ पर चढ़ जाता है और जो हमारा गैको है वो दीवार पर और पेड़ पर दोनों पर चढ़ सकता है। इसका यूज मिलिट्री करती है स्पाई वर्क करने के लिए। इसके पैरों पर एक दूसरा मटेरियल लगाया जाता है जिसे यूज करके ये किसी भी दीवार पर या पेड़ पर चिपक सकता है। अभी वो चिपक गया है तो हम नेक्स्ट रोबोट की तरफ बढ़ते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन वॉल क्लाइंबिंग रोबोट, इसका यूज किया जाता है भारी ग्लास को कैरी करने के लिए। ये बेसिकली हवा को पकड़ कर रखता है, ग्लास पर चिपक जाता है और ये भारी ग्लास को कैरी कर सकता है। दिस इज हाउ इट मूव्स, ये उसकी मूवमेंट है। सो दिस इज डन, किसी को कोई डाउट है?